तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे आप पहली बार स्टॉक्स या शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि शेयर बाय और सेल करने के प्रोसेस में कई सारे चेंजेस हो चुके हैं। अगर आपके पास ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप ज़ेरोधा का एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर अपने ज़ेरोधा के डीमैट अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इसे लॉगिन करना होता है। चलिए मैं भी इसे यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसकी थोड़ी मैं ब्राइटनेस को कम कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इसका जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर जो है सर्च एंड ऐड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको नीचे वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, ऑर्डर्स का मिलता है, पोर्टफोलियो का मिलता है, टूल्स का मिलता है, और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको शेयर बाय करना हो तो उससे पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट में फंड को ऐड करना पड़ता है। तो फंड को कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए आपको सिंपली इस प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एक इक्विटी और एक कमोडिटी दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। आपको अगर शेयर या स्टॉक को बाय और सेल करना है उसके लिए फंड को ऐड करना है तो यहाँ पर आपको इक्विटी रहना है, आपको कमोडिटी पर क्लिक नहीं करना है, इक्विटी में रह के यहां पर आपको जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे में अभी देखिए 900 रुपए यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मेरे डीमैट अकाउंट में 900 रुपए इस समय अवेलेबल है। अब अगर मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं तो मुझे या और ऐड करना चाहता हूँ, या मेरे पास जीरो है, हो सकता है कि आपके डीमैट अकाउंट में यहाँ पर जीरो हो शो हो रहा हो, तो यहाँ पर सिंपली आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है। ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी अमाउंट डालनी है। आप 100 रुपये से लेकर 10,000, 5,000, 2,000, 100, 200, 300 जितना भी आपको ऐड करना हो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वो बैंक अकाउंट दिखेगा जिसको आपने डीमैट अकाउंट बनाते समय ऐड किया था, यहाँ पर आपको इसे ही सेलेक्ट रहने देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको UPI, गूगल पे और नेट बैंकिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। तो यहां पर आपको जैसे आप गूगल पे से करना चाहते हो गूगल पे को सेलेक्ट करना है, UPI के थ्रू करना चाहते हैं आपको UPI सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको जैसे सपोज करिए आपने गूगल पे यहां पर सेलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद यह है जो आपको आपके गूगल पे अकाउंट पर लेके जाएगी, वहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और आपको वहाँ से पैसे डिडक्ट कर देने हैं। और इसके बाद सिंपली जो है जितने पैसे आप ऐड करेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि फिलहाल आपको मेरे में 900 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद सिंपली मैं यहाँ से बैक आता हूँ और यहाँ पर देखिए अब जो है फिर से आपको वॉच लिस्ट पर आना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्च एंड ऐड पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको उस शेयर को सर्च करना है जिस भी शेयर को आप बाय करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर NTPC के शेयर को बाय करना है तो मैंने यहाँ पर सर्च किया NTPC। अब यहाँ पर देखिए आपको कई सारे यहाँ पर NTPC के नाम से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्टॉक या शेयर बाय करना है तो ऊपर जो देखिए दिख रहा है ना NTPC NSE और NTPC BSE। NSE और BSE ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, आप दोनों में से किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पर ऊपर वाले NTPC NSE में ही मैं शेयर को बाय करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ से आप जब बैक करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट में देखिए NTPC का जो यहाँ पर शेयर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको यहाँ पर गेल का शेयर बाय करना है तो आपने यहाँ पर गेल को सर्च किया, ऊपर NSE BSE दोनों में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऐड वाले आइकन पर क्लिक करा प्लस पर, और इसके बाद मान के चलते हैं कि यहीं से हम एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे सुजलॉन है तो मैंने यहाँ पर सुजलॉन को यहाँ पर सर्च किया, सुजलॉन में देखिए NSE BSE आ रहा है। मान के चलते हैं हम यहाँ पर BSE वाले को ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से हम बैक करते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिए NTPC, गेल और सुजलॉन ये तीनों शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको जिस भी शेयर को खरीदना है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किसका प्राइस ऊपर जा रहा है, किसका प्राइस नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में करके दिखा रहा हूँ, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि शेयर को कैसे सर्च करते हैं और उसे कैसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं और कैसे फंड ऐड करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि आप शेयर को बाय कैसे करते हैं। अब मान के चलते हैं कि जैसे हमें यहाँ पर गेल के शेयर को बाय करना है तो मैंने यहाँ पर गेल पर क्लिक करा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर गेल दिख रहा है, ऊपर यहाँ पर इसका नाम आ रहा है, यहाँ पर देखिए BSE में दिख रहा है 109 रुपये 20 पैसे का चल रहा है। आज ये 30 पैसे से बड़ा है, है ना, मतलब 0.28% इसमें ग्रोथ हुई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बाय और सेल करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप व्यू चार्ट पर क्लिक करके इसके चार्ट को भी देख सकते हैं, इसके आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका जो चार्ट देखने को मिलेगा, अभी ये कैंडलस्टिक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप इस चार्ट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप कैंडल बार, कलर्ड बार, लाइन, वर्टेक्स लाइन, स्टेप, इन सारे
जैसे सपोज करें मैंने यहाँ पर लाइन पर क्लिक करा, तो देखिए यहाँ पर इसका जो चार्ट का डिज़ाइन था, जो पैटर्न था, वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 15 मिनट लिखा हुआ है, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, 13, 1 आवर, 2 घंटे, मतलब आप जितने भी देर का इसमें चार्ट देखना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे यहाँ 5 मिनट का चार्ट देखना है, तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट पर क्लिक करा और यहाँ पर देखिए 5 मिनट का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप इसके टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब फिलहाल जो है मैं सिंपली आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी शेयर को पहली बार शेयर बाय और सेल कैसे करेंगे। तो मैंने गेल पर क्लिक करा, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का ये ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर देखिए आपको यहाँ पर इस स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गेल। यहाँ पे BSE और NSE दोनों ऑप्शन मिल रहा है। BSE में ये जो है 109.20 रुपये का मिल रहा है और NSE में इसकी जो प्राइस है 109 रुपये, देखिए 10 पैसे अभी 20 पैसे हुई, तो कुछ ऊपर नीचे हो रही। दोनों में देखिए 5-10 पैसे का फर्क होता है, आप दोनों में से किसी में भी शेयर को बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर 10 पैसे ये NSE में कम प्राइस में मिल रहा है, तो मैंने NSE को चूज़ कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रेगुलर, कवर, AMO और आइसबर्ग, ये चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप अभी बिगिनर हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर पे ही रहना है, ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, वरना आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो हम यहां पर देखिए रेगुलर में ही रहते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर लिखा क्वांटिटी, अब यहां पर इस क्वांटिटी वाले बॉक्स में आपको वो क्वांटिटी फिल कर देनी है जितने आप शेयर खरीदना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप शेयर खरीदना चाहते हैं। आप मिनिमम 1 क्वांटिटी खरीद सकते हैं और आप 1, 10, 15, 20, 2, 5, 100, 150, 200, मतलब आप जितना चाहे उतनी शेयर यहां पर आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि जितना भी आपके डीमैट अकाउंट में फंड पड़ा हुआ है, फंड अवेलेबल है, उससे ज्यादा के शेयर आप नहीं खरीद सकते हैं। जैसे मेरे फंड में मैंने आपको दिखाया था कि 900 रुपये पड़ा है और एक शेयर का प्राइस देखिए यहां पर 100 सॉरी यहाँ पर रेगुलर पे आके देखिए 109.20 रुपये है और NSE में 109.20 रुपये, दोनों में लगभग सेम चल रहा है, 5 पैसे देखिए यहाँ पर कम हो गया है। तो अब मेरे पास अगर 9 है, अगर मेरे पास 900 रुपये पड़े हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 9 क्वांटिटी डालता हूँ, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मुझे जो है 982 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 982 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास है 900। तो हम यहाँ पर देखिए 8 क्वांटिटी अगर फिल करेंगे, तो देखिए हम अब मैंने यहाँ पर इसे रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर 873 रुपये की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आप कितने शेयर खरीद सकते हैं, आप मिनिमम 1 क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। तो आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर 8 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, आप मिनिमम 1 क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए अभी ये जो प्राइस वाला बॉक्स है, ये यहाँ पर आप प्राइस फिल करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट चूज है। अगर आपने यहाँ पर टाइप में मार्केट को चूज़ करा, तो यहाँ पर जो प्राइस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपनी तरफ से प्राइस नहीं फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो मैं 8 शेयर खरीदने जा रहा हूँ गेल के, जो मैं गेल के 8 शेयर खरीदने जा रहा हूँ, मार्केट प्राइस पर खरीदने जा रहा हूँ, मतलब मार्केट में जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा, मैं उस पर इसे बाय करने जा रहा हूँ। अगर मैंने देखिए यहाँ पर लिमिट को चूज़ कर लिया, तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस वाले ऑप्शन में मुझे प्राइस फिल करने का ऑप्शन मिल रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अभी 109.15 रुपये इसका प्राइस चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि जब इसका प्राइस 108 रुपये तक गिर जाए, तब मैं इस गेल के शेयर को बाय करूँगा, तो मुझे यहाँ पर फिल कर देना है 108 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 108 रुपये पर जब इसका प्राइस गिरकर आएगा, तभी ये शेयर बाय होगा, वरना ये शेयर बाय नहीं होगा, मतलब मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दिया है। तो अभी मैं आपको जो है सारी चीज़ें तुरंत लाइव मार्केट में करके दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसे मार्केट को ही चूज़ रहने देता हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर SL और SLM का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप अभी बिगिनर हैं, तो अभी आपको सिंपल सिंपल प्रोसेस सीखना है, आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पर अपनी वीडियोस लाता रहूंगा, ताकि मैं आपको और डीप नॉलेज भी देता रहूं। तो फिलहाल देखिए अब इसके बाद यहां पर देखिए प्रोडक्ट में आपको इंट्राडे और लॉन्ग टर्म CNC का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इंट्राडे को अगर आप चूज करते हैं, तो इंट्राडे का मतलब होता है सीधा सा कि आपको सेम डे ही बाय करना है शेयर को और सेम डे ही आपको सेल करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस। शेयर मार्केट खुलने के बाद जैसे खुले वैसे आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं, और लास्ट टू लास्ट जब शेयर मार्केट बंद होने वाली है, तब आपको इस शेयर को सेल करना होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या आपको लॉस हो रहा हो। और अगर आपने इसे खुद से शेयर को सेल नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आपको इंट्राडे को चूज नहीं करना है। और दूसरा ऑप्शन यहां पर आता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि आप इसे होल्डिंग में लेना चाहते हैं, मतलब आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ अपने बिगनर्स भाइयों के लिए, उनके लिए मैं लॉन्ग टर्म करता हूँ, क्योंकि देखिए आपने किसी शेयर को बाय कर लिया, अभी आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना नहीं आता होगा। तो आपने मान लीजिए इसके 8 शेयर बाय कर लिया, आपने 800-900 रुपये इसमें लगा दिए, अब
आपने लॉन्ग टर्म में लिया तो क्या होगा कि मान लीजिए इसका प्राइस जो है वो नीचे गिरने लगे तो आपको टेंशन तो नहीं होगी ना, आप इसे होल्ड तो रख सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, जब इसका प्राइस ज़्यादा बढ़ने लगे तब आप इसे बेच देंगे, तब आप इसे सेल कर देंगे, तब तक आप इसको होल्ड करके अपने पास रख तो सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में आपके सामने लिमिटेशन होती है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस आपको सेम डे ही बाय और सेल करना होगा, आप खुद से सेल नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको लॉन्ग टर्म चूज करना है ताकि आप इसे लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको लॉस भी होता है तब भी आप इसे होल्ड कर लें और जब आपको प्रॉफिट हो तो आप इसे सेल कर दें। इसके बाद देखिए मैंने आपको टाइप में बता ही दिया, अब मैं नीचे और आता हूं तो यहां पर देखिए GTT, यहां पर आप ऑर्डर लगा सकते हैं। अब GTT ऑर्डर में देखिए सेट स्टॉप लॉस और टारगेट दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब देखिए मान लीजिए मैं सेट स्टॉप लॉस के ऑप्शन को यहां पर कर देता हूं ऑन, तो यहां पर देखिए स्टॉप लॉस परसेंटेज में आप डाल सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि आप जिस भी शेयर प्राइस पर, आप जिस भी मार्केट प्राइस पर या जिस भी प्राइस पर आप इस शेयर को खरीदेंगे उससे आप, अगर आप देखिए आप चाहते हैं कि अगर उससे 5% नीचे अगर उसका प्राइस आ जाए तो आप उसे बेच देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप -5% लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर अगर उसका प्राइस, जिस प्राइस पर मैंने इसे बाय किया है, अगर उससे 10% प्राइस जो है नीचे आ जाए तो मैं इसे सेल कर दूंगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है 10 जो है टाइप कर देना है। इसका मतलब यह होगा यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप अपने जो लॉस है उसको एक लिमिट तक कर सकते हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने इसे खरीद तो लिया गेल को, ये इसका जो प्राइस वो 109.15 रुपये चल रहा है, लेकिन आपने जब इसे खरीदा तो उसके बाद इसका प्राइस गिरने लगा, हो सकता है ये 109 रुपये से गिरकर 90 पे आ जाए, 80 पे आ जाए, 50 पे आए, तो ऐसे में क्या होगा आपका पूरा पैसा जो है वो जीरो भी हो सकता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जिस प्राइस पर इसे बाय किया है उससे मान लीजिए अगर 10% नीचे इसका प्राइस आ जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। आप इसे 10% भी कर सकते हैं, आप इसे 1% भी कर सकते हैं, आप 5% भी कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर 10% को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि अगर इसका प्राइस जो है जिस प्राइस पर मैं खरीदूंगा उससे अगर ये 10% नीचे पर आ जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। और यहाँ पर देखिए सेट टारगेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब सेट टारगेट को अगर आप ऑन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिस प्राइस पर आपने शेयर को बाय किया है उससे कितने परसेंट ये ऊपर इसका प्राइस हो जाए कि ये ऑटोमेटिक आप इसे सेल कर देना चाहेंगे। कई बार होता है आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप लगातार मार्केट को देखते रहें, उसमें शेयर के ऊपर नीचे जो प्राइस हो रहा है उसको आप देखते रहें, तो वहाँ पर देखिए ये स्टॉप लॉस और जो टारगेट हो ये बहुत काम की चीज़ होती है। अब टारगेट में मान के चलते हैं कि आपने सोचा कि भैया 109.15 रुपये पर इसका प्राइस मैंने इसको खरीदा है और अब अगर इसका प्राइस जो है 10% ऊपर चला गया तो ये मैं इसे बेच देना चाहूंगा, मतलब ये, तो अगर आप यहां पर टारगेट में यहां पर जो है 10 यहां पर टाइप कर देंगे तो यहां पर ये जो है 10, तो क्या होगा कि अब जो है ये जैसे इसका जो प्राइस है 10% ऊपर जाएगा ये ऑटोमेटिक जो है सेल हो जाएगा, मतलब आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक बाय भी ऑटोमेटिक देखिए ये सेल हो जाएगा स्टॉप लॉस में और ऑटोमेटिक आपका टारगेट भी सेट हो जाएगा। और फिलहाल जो है सॉरी ये पीछे चला गया है तो मैं इसे फिर से यहाँ पर गेल पर आता हूँ, बाय पर क्लिक करता हूँ, मैंने एक यहाँ पर रखा है, लॉन्ग टर्म लिया है, मार्केट लिया है। अच्छा इसके बाद देखिए सर स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर 10% मान के चल रहा था कि अगर इसका जो प्राइस है वो 10% नीचे आ जाए तो मैं इसे सेल कर देना चाहूँगा, और टारगेट में मैं मान के चलता हूँ कि अगर 10% इसका प्राइस ऊपर चला गया तो मैं इसे सेल कर देना चाहूँगा, मतलब अपना लॉस भी मैंने एक लिमिट कर ली और मैंने अपना प्रॉफिट को भी लिमिट में कर लिया, मतलब कंट्रोल मेरे हाथ में है, अब कंट्रोल में है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन देखने को मिलता है, मोर के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वैलिडिटी में डे, IOC और मिनट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको डे को ही चूज़ करना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब सिंपली आपको क्या करना है, स्वाइप टू बाय पर आपको स्वाइप कर देना है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए ये जो मेरा बाय का ऑर्डर था ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर्स पर आना है, और ऑर्डर्स पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अभी टाइम कितना हो रहा है, 1:04 हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 13:43 पर ये जो मेरा ऑर्डर है गेल का, मैंने एक क्वांटिटी जो है वो बाय किया है जिसको मैंने 109.25 रुपये में बाय किया है, लॉन्ग टर्म में बाय किया है, मतलब CNC जो वहाँ पर लॉन्ग टर्म CNC दिख रहा था, मैंने CNC लॉन्ग टर्म में बाय किया है और मार्केट प्राइस पर मैंने इसे बाय किया है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इसकी बाकी जो क्वांटिटी है, बाकी जो इसकी डिटेल है वो आपको देखने को मिलेगी। वैलिडिटी प्रोडक्ट मतलब डे मैंने किया है, लॉन्ग टर्म में किया है, स्टेटस मेरा कंप्लीट हो गया, प्राइस जो है अभी मैंने इसे सेल नहीं किया है, ट्रिगर प्राइस मैंने अभी इसमें सेट नहीं किया था, टाइम ऑर्डर एक्सचेंज टाइम ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद देखिए
यहाँ पर देखिए आपको दो जो यहाँ पर है दो रिजेक्ट ऑर्डर भी दिखा दे रहे हैं। ये मैंने इससे पहले जो है इसमें रिजेक्ट लगाया था वो मैं खुद से कर रहा था, तो यहाँ पर रिजेक्ट है, लेकिन अभी जो मैंने आपको करके दिखाया है वो 1:04 पर यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको देखिए दिखाता रहता है कि वो कंप्लीट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है कि पेंडिंग है। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर अगर आप अपने ओपन बार आते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूट में आते हैं, तो एग्जीक्यूट में देखिए यहाँ पर आपको इसका जो ऑर्डर है वो बाय हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसे होल्ड कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे लॉन्ग टर्म में इसे बाय किया है। लॉन्ग टर्म में बाय करने का फ़ायदा मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको इसे होल्ड करने का मौका मिलता है। अगर आपको लॉस हो रहा हो तो इसे आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तब आप इसे सेल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर शेयर को बाय तो करके आपको दिखा दिया है, अब मैं इसे सेल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब मान के चलते हैं कि इसी शेयर को मुझे सेल करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो पर जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको पोजिशंस पर आना है। आपको पोजीशन में इसलिए आना है क्योंकि अभी मैंने इसे बाय करा है तो अभी ये हमारे पोजीशन में रहेगा। ये 24 आवर्स के बाद मतलब ये कल तक ये हमारे होल्डिंग्स में चला जाएगा, तो फिलहाल ये हमारे पोजीशन में दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे 1-2 दिन बाद सेल करेंगे तो यहाँ पर आपको पोजीशन में नहीं दिखाई देगा, आपको यहाँ पर होल्डिंग्स में दिखाई देगा। तो फिलहाल जो है ये मेरे पोजीशन में दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर देखिए टोटल P&L दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर 5 पैसे का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद अब मुझे कैसे इसे सेल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऐड और एग्जिट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इसे और शेयर ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड पर क्लिक करना है। अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सेल पर क्लिक कर देना, सॉरी एग्जिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा है वैसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर आपको सिंपली जो है मैं आपको एकदम सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो जैसा है वैसे ही रहने देना है। क्वांटिटी में आपको उतनी ही क्वांटिटी फिल रहने देनी है जितनी आपने बाय करी है। अगर आप जितनी क्वांटिटी बाय करी उससे ज़्यादा फिल कर देंगे तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है सेल का ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब आपका जो सेल है ये कम्प्लीट नहीं होगा। तो सिंपली मैंने एक ही क्वांटिटी बाय करी थी, पहले मैंने 8 क्वांटिटी वहां पर लगाई थी लेकिन वो एक बार बैक हो गया तो वहां पर एक ही क्वांटिटी मैंने रहने दिया था। तो अब यहां पर एक ही क्वांटिटी मैं सेल कर सकता हूं। तो सिंपली आपको आपको यहां पर स्वाइप टू सेल पर क्लिक करना है और इसके बाद देखिए यहां पर दिख रहा है यू सीम टू हैव ए GTT फॉर गेल। इसके बाद यहां पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है कंप्लीट एक जो शेयर मैंने बाय किया था वो यहां पर मैंने सेल कर दिया है। अब इसके बाद देखिए यहां पर ऑर्डर्स में आप आएंगे, देखिए अब यहां पर भी मैं था ना, यहाँ पर आप थे। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से ऑर्डर्स पर आता हूँ तो देखिए यहाँ पर अभी ये सिर्फ एक ये बाय का कंप्लीट दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर देखिए गेल को मैंने जो एक शेयर बाय किया था वो यहाँ पर मैंने सेल भी कर दिया है और यहाँ पर ये ऑर्डर कंप्लीट भी हो चुका है। मैंने 1:04 पर इसे बाय किया और 1:08 पर मैंने इसे सेल कर दिया। तो इस तरीके से आप पहली बार ज़ेरोधा काइट में अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ज़ेरोधा में पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजबल वीडियोज़ को देखने के लिए बिजनेस फील्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही नॉलेजबल वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।